फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट होती है हमारी जी ड्रेस डिज़ाइनिंग से। मतलब सुबह सुबह नींद से उठ के मैं कपड़े सिलाई करने बैठ गई थी, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है तो मैंने सोचा फ़ायदा उठा लिया जाए। कुछ चीज़ें ना क्लेम करने के लिए जाना है। जब हम ऑर्डर देकर आए थे तो उन्होंने सामान घर पर डिलीवर कर दिया था, मगर इन कुछ प्रोडक्ट पर ना हलाल मेंशन नहीं है। तो बस अब मैं जा रही हूँ इनको वापस करवाने के लिए। मामू को मैंने कहा मुझे साथ लेते जाएँ, तो हम लोग जाकर इनको वापस करवाते हैं। तो बस अभी हम ये सारा कुछ सामान वापस करवाने जा रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को जब वीडियो शेयर की थी ना, तब भी बताया था कि इन प्रोडक्ट को बहुत ही ध्यान से देखभाल कर फिर लीजिएगा। कुछ पे हलाल मेंशन होता है, कुछ पे नहीं, तो बस इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बस अब हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं वापस करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं वहाँ से वापस आई, फिर बैठ गई थी दोबारा से अपनी सिलाइयों की तरफ। और इस सूट पर जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा हटके की है। मतलब कि जो लेस लगाई है उसके साथ मैंने थोड़ी थोड़ी और भी डिटेलिंग्स ऐड की है इसके अंदर, ताकि इस सूट की ग्रेस और ज़्यादा बढ़ जाए। दूसरा ये कि जब मैंने इसको एक साइड पर लेस लगाई ना, बार बार मोड़ मोड़ कर वो दूसरी साइड पर जा रही थी, तो इसलिए। चलो भैया, आज के मेन्यू में बना है दाल और चावल। आप सबको पता ही होगा जो लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं, मतलब हमारे घर में वीक में एक बार तो दाल चावल लाजमी ही बनते हैं और हम सबके फेवरेट हैं, तो इसलिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं ये खाने में और फटाफट से बन भी जाते हैं। थोड़ा मज़े का इनका टेस्ट लगता है, दाल ऊपर सही छिड़क कर जब हम खाते हैं ना, क्या मज़ा आता है यार। दाल चावल का भी अपना ही स्वैग है। तो यहाँ पर हम लोग आज खाना खाएंगे, दाल चावल अचार, ओह अल्लाह। और एक बच्चे की टक टक आ रही है ना, ये बच्चा कभी नहीं सुधरेगा अपनी शरारतों से, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा शोर शराबा पीछे का बैकग्राउंड हमारा। और सुना आप सब लोग कैसे चल रहे हैं, सब कुछ हाल चाल अहवाल। इसमें दाल जब तक ऐसे भीगी हुई ना हो चावलों पर, खाने का मज़ा ही क्या आएगा। तो यहाँ पर बस अब इसके ऊपर छिड़कते हैं अचार शरीफ। चलो भाई, बच्चा मेरा ये अचार वाले चावल खा लो। चलो शाबाश, खाने की तमीज़ चेक करो इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपने दाल चावल लेकर जाऊँ, मज़ेदार से अचार चावल दाल, यम्मी खाना मज़े का। वो आज तो बहुत तेज़ भूख लग गई है, तो हम लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। स्विच टू कोल्ड ड्रिंक ब्रांड कोई हमारी अब नहीं चलेगी, कोक पेप्सी फेंटा मरिंडा ये सारी हटा कर अब हम आ गए हैं गोरमे और ये लीची पर। और ये ना पाकिस्तानी ब्रांड है, मरी ब्रिवरी की है ये। अब देखो इसका टेस्ट कैसा होता है, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, अब चखने के बाद पता चलेगा मज़े की है या नहीं है। चलो जी डालो। फ्रेंड्स, टेस्ट के हवाले से बात की जाए ना, है तो मज़े की, सही तेज़ वाली है और ऐसे पी के मज़ा आ गया। वाह 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 भाई, उन कोल्ड ड्रिंक्स को भूल जाओ और इनको स्टार्ट कर दो, बहुत मज़े की है। और जिस तरीके से तेज़ होनी चाहिए ना कोल्ड ड्रिंक, वैसे वाली तेज़ है, मज़े की। ओए होए होए, मज़ा आ गया जी इसमें स्विच करके हमें तो। चलो भाई वापस से आ जाते हैं हम अपनी सिलाइयों की तरफ। रंग वगैरह खा लिया तो अब बैठकर करते हैं जी अपनी एम्ब्रॉयडरी। थोड़ी सी मैंने सोचा इसके अंदर डिटेलिंग ऐड कर दूँगी, और अगर नहीं करती ना मैं तो इसके अंदर जो मैंने अप्स एंड डाउन शेप में लेस अटैच की है ना, वो लेस कभी जब ये सूट धुल जाता है या एक दो मरतबा पहन जाता तो कभी ऊपर और कभी नीचे शिफ्ट होने लग जाती, तो उस शिफ्टिंग से बचाने के लिए इसको मैंने ये हल निकाला है कि इस बार एक मोती और एक सितारे का जो फ्लावर है ना वो बनाकर इसका जो आधा फ्लावर है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। देखिए इस तरीके से लेस के अंदर से सुई निकाली, ये ना सुई बिल्कुल छोटी वाली मोती वाली सुई है, इसको कहते हैं ज़ीरो की सुई। और उस ज़ीरो की सुई की हेल्प से ना हम लोग ऐसे एक एक सितारा और एक एक मोती, पहले सितारा डालेंगे फिर इसके अंदर एक मोती डालकर, और फिर मोती के पार से और सितारे के अंदर से सुई घुसाएंगे ना, तो हमारी ये वाली जो शेप है ना अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी एफर्ट लगती है लेकिन सूट बड़ा फिट बन जाता है, तो एफर्ट कर लेनी चाहिए क्या ये। फ्रेंड्स, इस तरीके के डिज़ाइन बनाना तो ड्रेसेस पर खूबसूरत ही लगते हैं। देखें यहाँ पर मैंने ये सारा एक स्लीव्स का काम भी ख़त्म कर लिया है और नेक का भी, लेकिन उसके बाद जो हाथ की हालत होती है ना, ये देखें पूरी उंगली में सुई लग लग के ना हालत ख़राब हो गई पूरी उंगली की, सारे गोश के अंदर सुई चली जाती है। सारे कपड़े तो बंदा डिज़ाइनिंग वाले बना ले, मगर जो फिर हालत होती है ना, इतना दर्द होता है, अक्सर अगर कोई तीखा लग जाए गर्म लग जाए इन हाथों पर तो बस फिर तो क्या ही कहने। मुझे ना वैसे पर्सनली फैब्रिक पर ये जो स्टिचिंग करते हैं या एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो काफ़ी पसंद है, मगर बस ऐसा है कि मैं अब अपने लिए ना लोहे का एक जो स्टेप होता है ना यहाँ का वो बनवाऊँगी,
फिर जब मैं ये वाले काम करूंगी ना, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे तो इतना दर्द होता है, इसी चक्कर में मैं कहती हूँ यार छोड़ो, रहने दो, हम नहीं करते। या शायद मुझे टैकल करना नहीं आता, जो भी हो मसला। बहरहाल ये है कि कपड़े अच्छे अच्छे सिल जाते हैं और हाथ हमारे दुख जाते हैं। और अब हमारा सूट फाइनली कंप्लीट हो गया है, बस अब ये ना थोड़ी सी इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी कह लेंगे, क्योंकि मैं एक सितारा और एक मोती जो अटैच करती जा रही हूँ वो एम्ब्रॉयडरी हो गई। तो सितारे मोती की एडिशन करने के बाद फुल कंप्लीट डिटेल लुक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये वाला ड्रेस ज़रूर पसंद आएगा। बस ये पूरा इधर से भी और इधर से भी सेट कर कर फिर आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ और ये कैसा लग रहा है, और यहाँ पर लग रहा है, तो उसके बाद इतनी अच्छी सी रॉयल सी लुक आने लग गई है। मतलब एक नॉर्मल सा सूट भी ना एम्ब्रॉयडरी वाला सूट बन गया। थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन हमारी सादा सी चीज़ अच्छी बन जाती है। तो बस अभी ये कंप्लीट कर करना, फिर दिखाती हूँ आपको। टन टन, अब हम देखते हैं इस सूट की फाइनल लुक के कैसा बना है ये। और इसमें मैंने दामन में बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, क्योंकि कपड़ा ही नहीं बचा था। जितना ऑरेंज कलर का कपड़ा मेरे पास था, मैंने उसकी गले में, स्लीव्स में और पांचे में डिज़ाइनिंग कर ली है। तो दामन के लिए कपड़ा बचा ही नहीं। मैंने कहा चल कोई नहीं, फिर भी इतने सारे शशके हो गए ना कि अब दामन का अगर नहीं भी बचा तो मसला नहीं है। और यहाँ पर देखे नेक पर भी मैंने अच्छे तरीके से इसके सितारे वगैरह अटैच कर लिया है, ताकि लैस यहाँ वहाँ सर के सुर के ना धोने के बाद ये ज़्यादा तंग करती है। पहले पहले तो जब हम लोग तस्वीरें वगैरह बना रहे हो तो उनमें अच्छा लगता है, लेकिन जब एक दो दफ़ा कपड़ा धुल जाता है, उसकी सारी अकड़ा निकल जाती है, फिर जो लैसे परेशान और तंग और ख्वार करती है ना, उनका तो बस छोड़ ही दें काम। खैर यहाँ पर देखे जी, ये है मोतियों की फाइनल लुक, कितनी अच्छी लग रही है। और जैसे इस पर लाइट पड़ी है ना, हल्की हल्की सी शाइन आ रही है, तो ऐसे लग रहा है ये पूरी लैस नहीं, पूरी एम्ब्रॉयडरी है। तो मेरी ट्रिक काम कर गई है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया है लेकिन लग गया है, और काफ़ी अच्छा लग गया है। तो बस इसके लिए दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। हर वीडियो में कोशिश तो यही होती है कि आप लोग के साथ कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ डिफरेंट से शेयर करूं। अगर आप लोगों को भी कुछ सीखना है तो मेरी वीडियो देख के आप लोग का टाइम ज़ाया ना हो, बल्कि कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले और साथ साथ में इंटरटेनमेंट भी हो ही जाए। तो बस यहाँ पर आप लोग के साथ ये सब कुछ इसीलिए शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग के साथ भी नए नए आइडियाज़ को शेयर कर सकूं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन आज जो आप लोगों के साथ एक और बात बोल रही हूँ, वो ये कि अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ भी इस चैनल को शेयर कर लिया करें यार। और पांचे की डिज़ाइनिंग देखिए कैसी लगी है। ये जो पैच है ना, ये इसी सूट के साथ ही मैच था, तो मैंने आस्तीन में लगाने की कोशिश की, मगर आस्तीन का साइज़ पूरा हो गया था, फिर दामन में ज़्यादा बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसलिए पांचे में अटैच कर लिया है। और ये है इसका दुपट्टा। आजकल ऐसे कपड़े आ गए कि दुपट्टा कमीज शलवार से मैच ही नहीं होता, तो बस क्या ही कहने, हमने कहा चलो एडजस्ट कर लेते हैं। और बताइएगा सूट कैसा सिला है, ये जानना चाह रही हूँ मैं आप सब लोगों से कि फीडबैक कैसा है सूट के हवाले से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना गिरदो नवाहलो याल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।